गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे 9:30, अभी बज रहे 9:30, 11 डिग्री अभी, मतलब ठंड लग रही है। मैंने फैन भी बंद करके रखा, बाहर जाता हूँ थोड़ा धूप में थोड़ा अच्छा लगता है। धूप आ रही है बट ठंडी भी बहुत है बाहर। पूरा फॉग हो रहा है, थोड़ा फॉग हो रहा है यहाँ पे। सामने पहाड़ है जो कि फॉग की वजह से पूरे ढक गए, दिख रहे भी नहीं, एक भी पहाड़ नहीं दिख रहा। मैं आया अभी किचन में कि मैंने सोचा कि चाय बना के पी लेता हूँ, बट मैंने देखा कि रात को मैं जो आधा लीटर दूध लेके आया था उसमें से सिर्फ मैंने आधे कप चाय बनाई थी, बट अभी ये चाय मतलब इतना सारा दूध बचा है। तो मैं बोला कि इतना चाय बना लूंगा तो पी तो जाऊंगा, बट खाने के लिए कुछ है नहीं। जाता हूँ स्टोर पे, खारी टोस्ट वगैरह मिलेगा तो ले लेता हूँ। अभी देखो बर्तन वर्तन सब धो भी के, मतलब समझ लो आता है मुझे काम, आता है थोड़ा घर का काम में जाके। मैं तो लेके आ गया टोस्ट लेके आया और एक छोटा पार्ले जी का बिस्किट। तो क्या अभी पूरी चाय पी भी जाऊंगा और क्या, थोड़ा भूख भी नहीं लगेगा। अभी देखो भाप निकला, चाय बना लेते हैं अभी चाय। ओह माय गॉड, चाय तो मतलब गाइस आधा लोटा चाय बन चुकी है। तो अपने को अच्छा वो मैं नाश्ता लेके आया, नहीं तो ये आधा लोटा तो पी भी नहीं पाता अभी इसके साथ, और आधा लोटा चाय मजा नहीं लाइफ। अभी नहा भी लिया हूँ, चाय भी पी लिया हूँ, सब काम हो गया और बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिए और रख दिए, नहीं तो बाद में फिर मेरे मॉम डैड बोलेंगे खाता पीता है और धो नहीं सकता है क्या। तो मैं बोला सुनने से अच्छा पहले धो दो। और यहाँ पे भी साफ वाफ सब साफ कर दिया हूँ, एकदम क्लीन है। मैं सिर्फ थोड़ा बाल बना के बैग सब पैक कर चुका हूँ, बस शूज वूज पहन के अभी निकलना है। मैं अभी निकल पड़ा हूँ कांकरोली के लिए। घर पे आने के बाद मुझे उदयपुर निकलना है। उदयपुर में कल तो संडे, तो जीजू मेरे को बोलते हैं कि संडे है, मैं तो छुट्टी हूँ, कल हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे, बाहर घूमेंगे उदयपुर में, और फिर परसों बस पकड़ के मुंबई। कल मैंने बोला था आपको कि मैंने अभी तक सनसेट नहीं देखा था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कांकरोली जाके सनसेट देखकर ही बाद में यहाँ से निकलूँ। अगर सनसेट देखकर निकलूंगा तो उदयपुर लेट पहुंचूंगा, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं लेट पहुंचूंगा तो यार अपने को आना था लेट, अभी भी किधर भी जाने का लेट। सनसेट तो देखना है, कल मैं पहुंचा था तो कल मैंने थोड़ा सा सनसेट देखा था, बट टाइम पे मजा नहीं आया क्योंकि सन पूरा डाउन हो चुका था और कलर भी थोड़ा फेड हो गया। तो अभी बैग वैग तो सब पैक है ही है, बस घर पे जाके निकलना है। बस आया हूँ जलसा के शॉप पर, यहाँ पर आज मेरा आखिरी दिन है। तो जलसा मल्ला बस है, बस आ रहा 10 दिन गड़े। हाँ लास्ट मैं बोल रहा हूँ कि चाय बना दो, यहाँ पे लास्ट चाय पी के जाते, निकलते चाय पी के। ओके चलो आयरा बदारो बदारो आयरा बम्बई आयरा बदारो। जब से मैं राजस्थान में आया हूँ तब से मैंने सनसेट देखा ही नहीं अपने यहाँ का, तो मतलब मेरे को सनसेट का ये था, तो मैं यहाँ पर आया हूँ सनसेट देखने के लिए। मेरे इरिगेशन पार्क के यहाँ पर ही आजू बाजू यहाँ पर सनसेट देखने आया हूँ। आज सनसेट देख के ही जाना है। गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दिया मैंने और मैं थोड़ा आगे जाता हूँ चल चल के पानी के यहाँ पे, बट मैंने गलत रास्ता ले लिया। नहीं हाँ अच्छा, यहाँ से मतलब है ना गाड़ी नहीं जाती थी, कुछ नहीं है। चलो वो सामने सनसेट हो रहा है। मैं कल ही आपको बोल रहा था कि एक दिन एक्सटेंड कर लेता हूँ सनसेट के लिए, तो सुबह सुबह ही निकलने वाला था, बट मैं सोचा कि क्या सुबह सुबह निकल जाएंगे उदयपुर, थोड़ा मतलब यहाँ पे रुकते। और मैंने एक वीडियो भी एडिट कर चुका हूँ सुबह से, तो मैंने मतलब टाइम पास नहीं किया, एक वीडियो भी एडिट हो गया और अभी मैं बस यहाँ पे बैठता हूँ चिल करता हूँ, थोड़ा सनसेट हो रहा है। जैसे सन नीचे जाएगा तो मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि बाद में अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरे में अच्छा नहीं है। यहाँ पर सब दोस्त लोग आए हुए हैं, चिल कर रहे हैं, फोटो वोटो खींच रहे, और यहाँ पर सामने सनसेट हो रहा है। चुका है
और मेरा टाइम भी खत्म हो चुका है निकलने का, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। मेरा ग्लव्स और चाबी सब नीचे रखा हूँ, क्योंकि मैं टाइम लैप्स ले रहा था ना, तो किसी का मैसेज आया है तो वो वाइब्रेशन मोड से होके गिर गया नीचे। अच्छा वो पानी में नहीं गिरा, और मैंने यहाँ पे रखा था टाइम लैप्स, बट वो टाइम लैप्स अच्छा आया कि नहीं आया मेरे को पता नहीं, बट मेरा मोबाइल बच गया, वो अच्छी बात है। तो इसी खूबसूरत नज़ारे को बोलते हैं हम बाय बाय, बट क्या 10-15 दिन के बाद फिर से ही आने गए। सिर्फ एक ही चीज नहीं की मैंने गांव में आके, जो मुंबई में सोच के आया था सुबह उठना, क्योंकि ठंडी इतनी है ना यहाँ पर, तो मैं सुबह उठ ही नहीं पाया। अभी घर पे जाता हूँ फटाफट, बैग वैग सब तो पैक तो है ही है, तब ऐसा अभी टाइम हो रहा है 6:13, और मैं यहाँ पर सिर्फ रिचेक कर रहा हूँ कि मैं कुछ भूला कि नहीं, सब साफ है। यहाँ पे मैंने सब साफ करके रख दिया, बटन बंद, और बस अभी मेरे को यहाँ से कांकरोली जाना है, बाइक तो है ही नहीं। थैंक यू सो मच 7-8 दिन मेरा साथ देने के लिए, 2-3 दिन तो परेशान किया भी इसने, बट ठीक है कोई नहीं, अब हम निकलते हैं। और ये थोड़ा एल्बम भारी भी है, अच्छा वाला बनाया है थोड़ा एल्बम, मतलब मैंने क्लाइंट को बोला नहीं था कि मैं वो ऐसा वाला एल्बम बना के दूंगा, बट मैं उनके सामने पला बड़ा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, तो मैंने बोला उनका मूड खुश कर रहे थे। और शायद से ये कवर के वजह से है ना, पूरा साइड में मतलब फ्लैश है ना, पूरा कवर पे लग रहा है, तो आजू बाजू थोड़ा रिफ्लेक्ट होता होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। ना ही टेम्पो मिल रहा है, ना ही कोई बाइक वाला आ रहा है, एक बाइक वाला आया है वैसा, बगान दे, बगान दे छोड़ देंगे हमको। राधेश्याम जी मिले, तो ये कांकरोली जा रहे थे, तो मैंने पूछा कांकरोली छोड़ दोगे क्या, तो उन्होंने कांकरोली छोड़ रहे मेरे को। यहाँ से मेरे को टेम्पो मिल चुका है, तो मैं यहाँ से बस स्टैंड तक टेम्पो में जा रहा हूँ, और मैं बाइक पे था तभी आपको आवाज आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी मेरे को पता नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 6:30-5:30 टेम्पो वाला बंद हो जाता है, तो मेरे को मैं घर से भगानदा जो बस स्टॉप था वहाँ पर एक बाइक वाले ने बिठाया था, तो उन्होंने बताया कि टेम्पो वाला बंद हो चुका है। तो आज मैंने जीजू को फोन किया, जीजू की तबीयत खराब थी, एक भाई को फोन किया वो कहीं बाहर था, बाद में एक बाइक वाला आया जो आपने देखा हो, तो उसको मैंने बोला कांकरोली छोड़ दे, तो कांकरोली उसने मेरे को वहां तक छोड़ दिया मुखर्जी चौराहा। अभी यहाँ से 500 मीटर रहेगा तो मैं बोला टेम्पो पकड़ लेता हूँ, टेम्पो से चले जाता हूँ, नहीं तो वहाँ पे बस मेरी छूट जाएगी। और यहाँ पर मैंने टिकट वाले को पूछा कि लालपुर जाने वाली बस कितने बजे जाएगी, तो बोला 7:45 को जाएगी, और अभी बज रहा है 6:57 हो रहा है अभी, तो अभी 45 मिनट्स है मेरे पास। तो मैं ललसा के शॉप पर जाता हूँ, ललसा की शॉप वहाँ पे ही है सामने, जस्ट ललसा के शॉप पे जाके चाय वाय पी के बस में बैठ के आपसे मिलता हूँ फिर। 8:15 को बस आने वाली है, और मैंने जैकेट पूरा उतार दिया क्योंकि ठंड तो लग रही है बहुत, 14 डिग्री है। मेरा भाई आया तो उसका ही जैकेट पहना था, मैं बोला तू आ जा और अपना जैकेट लेके चले जा, बाद में उदयपुर से कोई भेजने नहीं वाला, इसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे टी शर्ट में, नॉर्मल टी शर्ट है, 14 डिग्री है, बट मेरे को ठंड नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर रहने लग गया बहुत टाइम से, अभी मुझे यहाँ की ठंडी थोड़ी बर्दाश्त हो रही है। उदयपुर की बस आ चुकी है, अभी 8:10 हो रहा है, और भाई साहब ये रोड रेट यहाँ की BST है, मतलब राजस्थान की BST बस। मैं पहुंच चुका हूँ उदयपुर, और अभी मेरे को यहाँ पे उतारा, मैंने उसको चेतक सर्कल बोला था तो उसने मेरे को यहाँ पे दिल्ली गेट पे उतार दिया। मेरे को अभी टेम्पो पकड़ना पड़ेगा, तो टेम्पो वाले के पास जा रहा हूँ मैं। इतना ठंडी नहीं है, मतलब है इधर भी ठंडी, मगर गांव जितना ऐसा ठंडी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिटी है ना इसके लिए। यहाँ पे टेम्पो कोई भी नहीं आ रहा है, टेम्पो वाले के लिए वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे खाली टेम्पो पड़ा है, मेरे को तो मन कर रहा है यही चला के चले जाऊँ फटाफट। ठीक है, नॉर्मल ठंडी है, 14 डिग्री है। पकड़ो पकड़ 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 दे पकड़ 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 हां देवी 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 ने पकड़ो जिया ये ताली दे हाई फाई दे